हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक लव्स डिफरेंट तरीके। तो आज का हमारा जो लव्स है वो है अच्छा। अब अच्छा एक लव्स है, इसका मतलब होता है हाँ ठीक है। अच्छा का मतलब गुड है, गुड भी होता है। अच्छा का मतलब हाँ सही है। देखो, एक लफ्ज़ है, इसके कितने मतलब है, लेकिन हम यही इमोशंस के साथ अगर इसको हम चेंज करें तो ऑब्वियसली इसका पूरे डायनामिक्स बदल जाएंगे। एज पर माई डॉट कनेक्टिंग, मतलब इतने सारे लफ्ज़ निकाल तो दिए आप। फॉर एग्जांपल, आप इंग्लिश ब्रिटेन, इंग्लिश यूएस में जब आप एक ट्रांसलेशन करते हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अब एक लफ्ज़ है अच्छा। अब हम अच्छा को इस्तेमाल करेंगे अगर खुशी में, तो वो करेंगे कि अच्छा। अगर हम ये हम उदास होके गए अच्छा, अगर हम यही एक्साइटेड होके गए अच्छा, अगर हम यही बहुत गुस्से से गए अच्छा, बाहर से किसी ने आगे चपेट मार देने है, तो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो गया। अब ये हम सरप्राइज होके करेंगे अच्छा। अगर हम यही किसी की मतलब खुशी के लिए करें, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम बहुत खुश है, और एक और इमोशन होता है ना ये कि आप बहुत खुश होते हो और आप एक्साइटेड भी होते हो, वो सारे इमोशंस मिक्स होके जब वो निकलते हैं तो कहते हैं अच्छा। मतलब ये तीन इमोशन मिक्स है, एक तो आप शक कर रहे हो ठीक है, एक तो आप एग्री कर रहे हो मतलब खुशी में, और एक आप सरप्राइजिंगली कर रहे हो। तो अच्छा, तो ये इस तरह का होता है। तो कैट सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एक लव्स डिफरेंट तरीके। बाय बाय।